Hello everyone, in the last 4 and 5 videos we have been looking the properties of image formed by concave and convex mirror. So the obvious question is going to everyone's minds must be that in reality where we take the advantage of these properties, where we to use the concave and convex mirror, right? We will study in this lecture, in this video, first we will study the uses of concave mirror. After that, we will discuss the uses of convex mirror, right? So, let's start the first topic of uses concave mirror. First is used as saving mirror to see large image of the face. आपका जो concave mirror है, इसका सबसे जो first use है, uses तो काफी हैं, है ना? यहाँ पे हमने कुछ uses लिखे हुए हैं आपके, तो आप understand, समझने के लिए, right? जो आपके लिए काफी needful है, okay? Used as saving mirrors, आपको आप जो concave mirror है, concave mirror को saving mirror में use कर सकते हैं ना, हम देखते हैं अपना face देखना ना, saving mirror हो गया, makeup mirror हो गया, वहाँ पे हम अपना image देखने के लिए इसका use करते हैं, उसमें क्या है concave mirror ही use होता है, right? कैसे concave mirror कैसे use होता है? अगर आप image formation by concave mirrors we have, अगर वो video आप देखें है ना, वो उससे means आपने जब image formation of concave mirrors के जो मेन जो प्रॉपर्टीज थी, अगर वो प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करी है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी, व्हेन आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट फोकस बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट, फोकस एंड पोल, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट, तो उसमें क्या होता था, आपकी जो इमेज लाइट रेज आती थी, लाइट रेज स्ट्राइक होने के बाद क्या होता था, लाइट रे आपका रियल में कहीं पे इन्वॉल्व, कहीं पे भी मीट नहीं होती थी, है ना, उसे हम प्रोड्यूस करते थे एंड जो इमेज बनती थी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, राइट, तो उसमें आपको क्या है, लार्ज इमेज मिलती है, तो ये वही प्रॉपर्टीज है बेस्ड एज का जो फर्स्ट यूजेस है, यूज एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर को आप मैग्नीफाइंग मिरर भी यूज कर बोल सकते हैं, राइट, तो मैग्नीफाइंग मिरर में हमें जो हम कॉनकेव मिरर का है फर्स्ट यूज वो है, सेकंड जो है यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को आपने देखा होगा, डेंटिस्ट भी आपकी कैविटी चेक करने के लिए इसको आपके मुंह के अंदर, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर ही आपका अंदर, आपके मुंह के अंदर डालता है, उससे आपको जो भी कैविटीज है उसको उसका लार्ज साइज दिखता है, राइट, थर्ड इज यूज इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है, कैसे, When an object is placed, जो आपकी first property थी, when the object is placed at infinity, आपका object infinity पे है, means आपकी जो है light rays infinity से आएंगी इस तरीके से, and after the striking the mirror, mirror पे strike होने के बाद, these are passes through the focus point से pass हो जाती हैं, right? It means ये भी वही है आपका used in solar cooker, means आपका जो concave mirror क्यों use होता है? आपका जो एनर्जी आती है सन से, जो भी सन से लाइट रेज आती है, वो आपका स्ट्राइक होने के बाद एक पॉइंट पे आप मिलती है, पॉइंट पे पास होती है, और उस पॉइंट पे आपने सोलर कुकर रखा रहता है, तो ये हीट होता है, और हीट होने से यहाँ पे आपने जो भी आपका कुछ भी खाना है वो क्या है, हीट होने लगता है, और उससे आपका खाना बन जाता है, ओके। द फोर्थ इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस व्हीकल एंड व्हीकल्स हेडलाइट, तो ये जो आपका फर्स्ट, इसी का सेकंड, इसी का मींस अपोजिट है, इसमें क्या है आपका, आपका जो फोकस है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट ए फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे आपका मींस आपका जो ये मिरर है, यहाँ पे आपने एक बल्ब रखा हुआ है, राइट, इस तरीके से बल्ब रखा हुआ है, तो यहाँ से जो इससे जो लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल पास हो जाएंगी, ठीक है, आप इसका जो मैंने आपको रे डायग्राम बनाया था वो आप अच्छे से इसको समझना, तो यहां से आप क्या क्या हो गए, पैरेलल जाएंगे लाइट रेज, मींस पैरेलल इंफिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं मीट होंगी, तो वहीं पे आपका ये टॉर्च, इसमें रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं, तो रिफ्लेक्टर्स एक एंगल देते हैं जिससे आपका ये जो लाइट है इस तरीके से भी जाता है, ओके, तो ये आपका यूज है रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, टॉर्च में यूज होता है, टॉर्च आप देखते हो कहीं भी अंधेरे में जाते हो, कहां तक कितने डिस्टेंस तक इसकी जो आपकी उजाला जाता है टॉर्च का, है ना, तो वही है आपका, एंड द व्हीकल्स हेडलाइट, आपकी व्हीकल्स हेडलाइट के व्हीकल्स में भी यूज होता है, रात के टाइम पे हम व्हीकल्स में, कार में, बाइक्स में अपना टॉर्च, अपना हेडलाइट ऑन करते हैं, तो आप उसकी देखो आप कहां तक लाइट जाती है, ठीक है, दीज ऑल आर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, उसमें सभी में क्या है, कॉनकेव मिरर यूज हुआ है, एंड द यूज्ड एंड लास्ट इज यूज टू व्यू फार अवे ऑब्जेक्ट्स,
मीन्स जो फार दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी आप व्यू कर सकते हो बाय यूज द कॉनकेव मिरर लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नाउ मूव ऑन द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड। मीन्स जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, फर्स्ट क्या है आपका जो आपके व्हीकल्स होते हैं व्हीकल्स में आपके रियर मिरर होते हैं ना, जिसमें आप पीछे से देखते हो कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, कौन कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो वहां पे यूज होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा ये देखो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज किया हमने, देखो इसको अच्छे से समझो। अगर वो आपका कॉनकेव मिरर हो जाए, राइट, कोई ऐसा मिरर हो, अगर नॉर्मल मिरर होगा तो जो पीछे से आपके व्हीकल्स आएगा वो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल पास, अगर पास में आ जाएगा बिल्कुल दिखेगा भी नहीं उसके आसपास कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, राइट, है ना, होता है ना। तो आप उससे कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, कैसे जज कर पाओगे कि पीछे कितना व्हीकल्स है, कितना ट्रैफिक है। तो इसीलिए वहां पे क्या है, वहां पे एक ऐसा मिरर लगाया जाता है जिससे आपके पीछे का जो व्यू है, पीछे का जो व्यू है काफी दूर दिखाई देगा और आपको दो या तीन जो भी जितने भी व्हीकल्स है सारे व्हीकल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए हमने क्या यूज किया वहां पे, यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड। ओके, इससे क्या होता है आपको लार्ज एक डिमिनिश्ड एक छोटा साइज मिलता है आपको पिक्चर्स का, इमेज का। ओके, एंड यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। जो सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स में आपने देखा होगा वहां पे कैमरे लगे रहते हैं, आपके एटीएम पे जाओ वहां पे भी कैमरे लगे रहते हैं, तो उनमें सभी में क्या होता है कॉनकेव मिरर ही, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, राइट, यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। ओके, गुड बाय।